सो हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द क्लास. सो आई होप आप सब लोग एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है इवोल्यूशन का. और ध्यान रखिएगा, आज मैं जितना आपको पढ़ाऊँ उसको उसी दिन विद नोट्स विद रिवीजन कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अगर आप सोचो कि अभी हम नोट्स बना लेंगे और बाद में रिवाइज करेंगे, तो रिवाइज कर लोगे लेकिन आगे आगे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा, तो आप भी के लिए दिक्कत है ये. और आज का ये जो फर्स्ट लेक्चर है बेसिक ही होने वाला है एज सच, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि केवल ऊपर ऊपर से देख लेते हैं ये लेक्चर और इसमें से क्वेश्चन नहीं आते. अब तक इस लेक्चर में से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक. और बिल्कुल ऐसा लेक्चर है आपका, अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ एज अ स्टोरी, अगर इसको एज अ कहानी आप लोग सुनोगे और वन बाय वन इसमें सीक्वेंस देखोगे, अच्छा ऐसे चीजें हुई थी, ऐसे चीजें हुई होंगी, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और चीजें आपको याद भी हो जाएंगी. ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आज का ये लेक्चर. ध्यान से सुनिएगा, ऐसा समझिएगा कि मैम कहानी समझा रही है और हम समझ रहे हैं. ठीक है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको समझना है, यहाँ पर केवल आपको सुनना है. और अगर अच्छे से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, तो चैप्टर क्लास के क्लास में ही आपको ये याद हो जाएगा, दैट आई कैन अश्योर यू. सो आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं योर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज इवोल्यूशन. अगर मैं आपसे पूछूं इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या होता है इवोल्यूशन? जैसे इवोल्यूशन जैसे मैंने बोल दिया, तो कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि कोई चीज इवोल्व हो रही है, इवोल्व यानी चेंज हो रही है. अब कई बार दिमाग में आता है कि जो चेंज है ये परमानेंट चेंज है या टेम्परेरी चेंज है. जैसे आप इवोल्यूशन टर्म सुनते हो, तो इवोल्यूशन का नाम सुनते दिमाग में क्या आता है? इवोल्व हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, ये याद है सबके दिमाग में. अब जो चेंज हो रहा है वो परमानेंट हो रहा है या फिर टेम्परेरी हो रहा है, क्वेश्चन ये आता है पहला. दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो चेंज हो रहा है ये धीरे धीरे हो रहा है या एकदम से हो रहा है, रैपिडली हो रहा है. ये दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे. तो इन क्वेश्चन का आंसर क्या है? इवोल्यूशन का मतलब है इवोल्व होना, चेंज होना, लेकिन ये चेंज परमानेंट होता है. लेट सपोज आप लोग जैसे कि आप लोग दो सीजन आते हैं मेनली, एक आती है आपकी गर्मी और एक आती है आपकी सर्दियां, राइट? और गर्मियों में आप लोग एसी यूज करते हो और सर्दियों में स्वेटर वगैरह कैरी करते हो, तो ये एकदम से ये चेंज कैसे आ रहा है? यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप चीजें एडोप्ट कर रहे हो. ठीक है, ये टेम्परेरी सा चेंज आप अपने अंदर लेके आते हो, टेम्परेरी चेंज लेके आते हो एक इन्वायरमेंट को एडोप्ट करने के लिए, टेम्परेरी चेंज. एक होता है परमानेंट चेंज होना. अब आप में से, मैं किसी एक बच्चे को, लेट सपोज मैं आप में से निधि को बोल दूं कि निधि क्या आप बंदर बनना चाहोगे? निधि बोलेंगी नहीं. या फिर अगर वो बोल दे हाँ ठीक है मैं बन जाऊंगी बंदर, मेरे को सीएसआर की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी और फालतू के लाइफ के झंझट से भी छुटकारा मिल जाए, ये जवाब हो सकता है. दूसरा जवाब उनका ये हो सकता है कि नहीं मैम मुझे नहीं बन. अब अगर ये बनना भी चाहे बंदर, नहीं बन सकती. क्यों? क्योंकि अब वो इवोल्व होके क्या बन चुके हैं? ह्यूमंस. ठीक है, ये बोला जाता है ना कि हमारे एंसेस्टर क्या है, हमारे एंसेस्टर जो है, जो ओल्ड पेरेंट है हमारे, वो हमारे क्या है? बंदर है, ऐसा कहा जाता है. तो वो धीरे 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 इवोल्व हुए और इवोल्व होके क्या बन गए? इवोल्व होके एक ह्यूमन बन गए. जैसे आप जनरली बंदरों को देखना, वो ऐसे चलते हैं ऐसे करके, और हम लोग सीधे चलते हैं, यानी कुछ ना कुछ वहां से इवोल्व हुए हैं. तो
जो इवोल्यूशन हो गया, लेट सपोज पहले आप में से कोई पप्पू नाम का इंसान है, कोई भी पहले ये बंदर था, ठीक है, जैसा कि इवोल्यूशन में पढ़ते हैं दैट हमारे एंसेस्टर जो है वो बंदर है, तो ये आपके एंसेस्टर जो है ये पहले बंदर है और ये बाद में ह्यूमन बन गया, क्या ये वापस से बंदर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसीलिए बोला जाएगा, ये केवल मैंने एक एनोलॉजी से समझाने के लिए ताकि आपके दिमाग में एक चीज फिट हो जाए कि इवोल्यूशन जो होता है आपका पहला तो धीरे धीरे होता है, एकदम से ऐसा तो नहीं होगा कि आज बंदर हैं आप लोग और कल इंसान बन गए, धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, धीरे धीरे चीजें इवोल्व होती हैं। जैसे पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, एसी वगैरह नहीं थे, खाने किचन में आजकल तो आप लोग आपके पास में गैस और चूल्हा रखा हुआ है तो आप लोग खाना बना लेते हो, पहले के टाइम पर ये भी नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम पर बेड नहीं थे, तो पहले के टाइम पर बेड नहीं थे तो चारपाई थी, चारपाई नहीं थी तो धरती पे सोते थे। पहले के टाइम पर अगर खाना पकाने के लिए उपले का यूज किया जाता था, ठीक है, पहले के टाइम पर लाइटर नहीं होता था तो पत्थरों को जला के आग जो है वो प्रोड्यूस की जाती थी, है ना। तो पहले के टाइम पर ये सब चीजें हुआ करती थी, धीरे 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 चेंजेस आए और आज के टाइम पर देखो कितनी फैसिलिटीज है। एकदम से तो ऐसा नहीं हो गया होगा कि पहले क्या किया जा रहा था, पहले पत्थर से आग जलाई जा रही थी और एकदम से अगले ही दिन लाइटर आ गया, टाइम टेकन प्रोसेस है ना। तो इवोल्यूशन तो हम लोग नेचर के बारे में बात करें कि नेचर कुछ चेंज कर रही है अपने अंदर, तो यानी ये भी क्या होगा, ये भी आपका इवोल्यूशन जो है ये आपका स्लो कह लीजिए या फिर ग्रेजुअल चेंज कह लीजिए, ग्रेजुअली चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होता है, एकदम से कोई चीज चेंज नहीं होती। अब आज आप ह्यूमन बन गए हो, वापस से बंदर नहीं बन सकते ना, तो यानी के इवोल्यूशन क्या है, इरिवर्सिबल है। क्या है? इरिवर्सिबल। एक और चीज बताइए, क्या प्रकृति, क्या नेचर ये सोचती है, जैसे मान लो प्रकृति ने सोचा कि मैं 10 दिन बाद बाढ़ लेके आ जाऊं, क्या प्रकृति सोचती है ये सब? कोई गोल होता है प्रकृति का? हम लोग तो ये बोलते हैं कि हम ही लोग प्रकृति को ये सब करने पे मजबूर कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज ऐसी है कि ये सारे फ्लड वगैरह ये सारी चीजें आ रही है ना। तो यानी कि नेचर में कुछ भी अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो हमारी वजह से हो रही है। नेचर कोई, जैसे आप लोग का CSR क्लियर करना गोल है, कि नेचर का भी गोल है कि कल मैंने इधर बाहर बाढ़ लेके आ जानी है, कल मैंने उधर बाढ़ लेके आनी है, कल मैंने ये काम करना है, परसों मैंने ये काम करना है, कोई गोल ओरिएंटेड चीजें नहीं होती। आप जब नेचर के साथ खिलवाड़ करते हो तो सारी चीजें होती है, नेचर ने कोई गोल डिसाइड नहीं कर रखा कि मुझे ये सारी चीजें करनी है। सो इवोल्यूशन इज नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कोई गोल ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं होता, इवोल्यूशन इज नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। और इन चारों पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये चारों ही पॉइंट्स लिखे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको दिया गया था इवोल्यूशन, एक ऑप्शन था इवोल्यूशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सो इवोल्यूशन इज नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्लियर? आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया कि इवोल्यूशन होता क्या है जनरली। अच्छा एक और चीज, अब मैंने क्या कहा कि आप बंदर थे पहले, ठीक है, लेट्स सपोज है ना, बंदर थे ये हम सुनते आ रहे हैं, हम इसी चीज को सपोज भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि मैं कभी बंदर थी, आपने भी नहीं देखा होगा आप बंदर रहे होंगे कभी, सपोज जो हम सुन रहे हैं हम वही चीज मान रहे हैं, ठीक है, बंदर थे आप, तो क्या ये जो चेंज हुए होंगे जिससे आप इंसान बन गए, ये चेंज क्या फिजिकल लेवल पे हुए हैं या फिर जेनेटिक लेवल पे हुए? जेनेटिक लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे कुछ ऐसे चेंजेस हुए होंगे आपके डीएनए में, कुछ ऐसे म्यूटेशन हुए होंगे, कुछ ऐसा चेंज हुआ होगा जेनेटिक लेवल पे कि ये जो बंदर थे बंदर से ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हुआ और ह्यूमन बना।
तो यानी कि इवोल्यूशन अगर हो रहा है, अगर ऐसे आप चेंज हो रहे हो, तो ये जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आते हैं। तो इवोल्यूशन में जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आते हैं। जेनेटिक लेवल पे अगर कोई चेंज आ जाता है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता, वो बैक ट्रैक नहीं करता, इरिवर्सिबल होता है। जेनेटिकली कोई भी अगर चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में तो वो परमानेंट होता है, वो टेम्परेरी नहीं होता। इवोल्यूशन आपका गोल ओरिएंटेड नहीं होता और बहुत ग्रेजुअल और बहुत स्लो प्रोसेस होता है इवोल्यूशन। तो ये 4-5 पॉइंट याद रखेगा इवोल्यूशन के बारे में, मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है आपका? ग्रेजुअल चेंज होता है, ग्रेजुअल कह लीजिए या फिर स्लो कह लीजिए। दूसरा, इवोल्यूशन जेनेटिक लेवल पे होता है, परमानेंट होता है, नॉट गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड नहीं होता, इरिवर्सिबल होता। क्लियर है? सो इवोल्यूशन इरिवर्सिबल होता है, स्लो होता है, गोल ओरिएंटेड नहीं होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है इन अ स्पीसीज, एक स्पीसीज में ओवर अ टाइम। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये स्पीसीज क्या होता है? आप इवोल्यूशन में बहुत जगह टर्म सुनोगे, स्पीसीज, स्पीसिएशन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये बहुत टर्म्स बार बार यूज होंगे और हर बार मैं ये टर्म्स आपको नहीं बताऊंगी, मैं अभी बता देती हूँ। स्पीसीज क्या होते हैं? स्पीसीज वो इंडिविजुअल होते हैं जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, कॉपुलेट कर सकते हैं, प्रोजनी ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। जैसे एक कैट है तो मेल कैट फीमेल कैट के साथ ही ब्रीड करके बेबीज पैदा कर सकता है। या कभी ऐसा सुना है कैट और डॉग से ब्रीड हुआ और कोई बेबी प्रोड्यूस हुआ? नहीं ना। तो ये क्या है, ये कैट कैट के साथ पॉपुलेट कर रहा है, तो ये एक स्पीसीज के हैं। स्पीसीज क्या होता है? इंडिविजुअल जो आप ही क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। जो इंटरब्रीड कर सकते हैं आपके स्पीसीज है, जैसे मैं बोलूं कि ये सारी कैट की स्पीसीज है, इट मींस ये सारे ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पर एक कैट बना दी, मुझे बनानी नहीं आती है तो कुछ भी बना रही हूँ, मैं समझ लेना कैसे चूहा बना देते हैं। चलो चूहा मेरे को बनाना आता है, तो मैंने चूहा बना दिया। ये दोनों चूहे क्या कर सकते हैं, एक फीमेल है एक मेल है, दे कैन इंटरब्रीड। ठीक है, सो दीज टू कैन इंटरब्रीड मीन्स दे कैन बिलोंग टू अ सेम स्पीसीज। अब बहुत सारे चूहे हैं तो ये चूहों की पॉपुलेशन हो गई, बहुत सारी फिशेज हैं तो फिशेज की पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो बहुत सारे फिशेज हैं तो ये आपकी पॉपुलेशन हो गई किसकी, चूहों की। ये पॉपुलेशन हो गई किसकी, फिशेज की। तो यहां पर क्या है, पॉपुलेशन यानी कि जब एक ही स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल हैं तो उस स्पीसीज के जितने इंडिविजुअल हैं बोलेंगे हम क्या है, पॉपुलेशन है। ये आपकी चूहों की पॉपुलेशन, जितने चूहे हैं यानी वो क्या है, वो चूहों की पॉपुलेशन। जितनी मछलियां हैं वो मछलियों की पॉपुलेशन है, जितनी कैट है यानी वो कैट की पॉपुलेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी, अब जैसे जिस एरिया में आप रहते हो, ठीक है, आप ह्यूमन हो, आप जिस एरिया में रहते हो, क्या उस एरिया में केवल ह्यूमन रहते हैं? कोई आपका वहां पर चूहा बिल्ली कुत्ता कुछ नहीं रहता, रहते हैं सब रहते हैं। तो यानी कि बहुत सारी पॉपुलेशन जब एक साथ रहती है, आपकी यहाँ पर बहुत सारे चूहे भी हैं, ठीक है, बहुत सारे चूहे की पॉपुलेशन भी है, ये पॉपुलेशन नंबर वन है, या आपकी फिश की भी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन नंबर टू है, या आपके पास में इंडिविजुअल्स भी हैं, बहुत सारे ह्यूमंस भी है, ये ह्यूमन की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नंबर थ्री है। तो बहुत सारे पॉपुलेशन जब आपके एक साथ रहते हैं उसको बोलते हैं
कम्युनिटी, ठीक है। फिर आता है स्पीसिएशन, क्या होता है स्पीसिएशन, विच कांट इंटरप्रेट। मीन्स इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, जैसे आप गोलपगो आइलैंड जो है उसका जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से जब वो आइलैंड से अलग अलग हुई स्पीसीज, तो थोड़े टाइम बाद क्या देखने को मिला, दैट दे कांट इंटरब्रीड, इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब क्या है कि वो अब वो नई स्पीसीज बन गए, टू डिफरेंट स्पीसीज कांट पॉपुलेट। समझ गए, स्पीसीज क्या है, विच कैन इंटरब्रीड, विच कैन पॉपुलेट, स्पीसीशन टू डिफरेंट स्पीसीज विच कांट पॉपुलेट, पॉपुलेशन व्हेन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज कलेक्ट टुगेदर दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, कम्युनिटी डिफरेंट पॉपुलेशंस एक साथ रह रहे हैं दैट इज कम्युनिटी। तो बेसिक सा डिफरेंस है। अब हम आज के लेक्चर पे आ जाते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे एक्ट नहीं करता है, पॉपुलेशन पे एक्ट करता है इंडिविजुअल। इवोल्यूशन कभी भी ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल पे एक्ट करेगा कि नेचर ने सोचा कि मुझे जैसे आपने वो जिराफ की नेक का एग्जांपल पढ़ा होगा कि जिराफ की नेक जो है पहले छोटी हुआ करती थी, पेड़ फिर लंबे लंबे होने लग गए तो उसने अपनी नेक स्ट्रेच की, ठीक है, तो वो जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आए थे। तो वो क्या अब आप देख रहे हो कि एक ही जिराफ की नेक लंबी हुई हो, बाकी की छोटी छोटी है। जिराफ की नेक अब जितनी भी देखोगे सबकी लंबी है, यानी कि जो इवोल्यूशन होता है वो किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं होता, पूरे पॉपुलेशन में होता है। तो इवोल्यूशन नॉट एक्ट ऑन इंडिविजुअल लेवल, ये आपका पॉपुलेशन लेवल पे होता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी पृथ्वी आई, पृथ्वी पे किस तरीके से आपके लाइफ आई, अब इसके बारे में बात करें। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि मैम पृथ्वी कैसे आई हो। अब यहां पर आप एक थ्योरी पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, बैंग ब्लास्ट, बैंग का मतलब क्या होता है, ब्लास्ट होता। तो बिग बैंग, अब ये कुछ भी थ्योरी है ये, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि धरती कैसे आई होगी, अपनी कहानियां बनाओगे आप, किसी को नहीं पता किस तरीके से आई। तो बिग बैंग, बैंग बैंग बूम यानी ब्लास्ट होना, यानी उन एक कोई थे, कोई साइंटिस्ट महान सज्जन थे कोई, और उन्होंने बोला कि पहले कोई ऐसे गोला हुआ करता था एक, उसमें एकदम से बैंग बूम करके ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होकर छोटे 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 पार्टिकल्स हर जगह बिखर गए, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बिखरे, कोई पार्टिकल आपका तारा बन गया, कोई आपका गैलेक्सी बन गया, गैलेक्सी जैसे आपके अर्थ की क्या है, मिल्की वे, आकाश गंगा, तो ऐसे कोई गैलेक्सी बन गया, कोई स्टार्स बन गए, इस तरीके से पूरा आपका प्लैनेट, पूरे आपका जो भी सौरमंडल है, पूरी पृथ्वी है, इस तरीके से बन, ये थ्योरी ये कहती है। ये देखिए बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि कोई आपके पास में इस तरीके से कोई ऐसा मटेरियल था, कोई मॉलिक्यूल था, एकदम से बूम करके उसमें ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होके टुकड़े 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 आपके इस तरीके से बिखर गए, और जो टुकड़े 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 आपके बिखरे, कोई प्लैनेट बन गया, कोई गैलेक्सी बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, ये बोला उन्होंने। अब हमने पूछा कि वो जो आपका गोला था आपका, उसमें ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होके छोटे छोटे टुकड़े फैले, तो टेम्परेचर तो बढ़ गया होगा। उन्होंने बोला धीरे धीरे करके टेम्परेचर कम हो गया था। उन्होंने बोला चलो ठीक है। उन्होंने बोला उस टाइम पर गैसेस भी थी। हमने बोला कौन कौन सी। उन्होंने बोला हाइड्रोजन और हीलियम। हमने कहा हाइड्रोजन हीलियम तो फिर यूनिवर्स में से तैर रही है, अब पृथ्वी पे कैसे है, हमें पता पृथ्वी पे कैसे अवेलेबल है। उन्होंने बोला तुमने ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा है। हमने बोला हाँ पढ़ा है।
तूने बोला वो ग्रेविटेशनल कंडेंसेशन की वजह से वो नीचे बैठे, मतलब कुछ भी थ्योरी थी ये। देखिए बिग बैंग थ्योरी का क्या कहना था कि 20 बिलियन ईयर अगो आपका यूनिवर्स बना। यूनिवर्स यूनिवर्स समझ रहे हो, जिसमें हजारों हजारों गैलेक्सीज होंगे, हजारों हजारों ब्रह्मांड होंगे, वो आपका यूनिवर्स है। और यूनिवर्स में एक आपकी धरती क्या है, चिन्नू सा पार्टिकल आपकी धरती। तो यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या बोल रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है, बिग बैंग थ्योरी। अब देखिए इन्होंने क्या आपको कहानी दी है, और क्या मस्त कहानी दी है। ठीक है, हमने पूछा धरती कैसे आई, धरती अब कोई थे ऐसे ही फेंकू चंद इंसान, ठीक है, मतलब कुछ तो बात होगी इस इंसान में कि जिसकी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। हमने पूछा धरती कैसे आई, उन्होंने बोला ऐसा था, पहले एक मॉलिक्यूल था, मतलब उनने पूरा ये बता दिया ब्रह्मांड कैसे आया। उनने बोला आपके पास एक इस तरीके से आपका गोला था, इस तरीके से। उन्होंने बोला ठीक है, बोले फिर क्या हुआ ना, इस आपके गोले में बैंग बूम बूम करके क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। उन्होंने बोला अच्छा ब्लास्ट हो गया, फिर बोले ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होकर इसके टुकड़े 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 फैल गए। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बोला ये जो टुकड़े टुकड़े फैले हैं ना, ये टुकड़े नहीं है, ये बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी पृथ्वियां हैं, ब्रह्मांड है, प्लैनेट बनाइए। तो इनने बोला ये गैलेक्सीज बनी आपकी, जैसे अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूँ तो मिल्की वे गैलेक्सी, तो आपकी अर्थ बनी, प्लैनेट सौरमंडल वगैरह बना, तो इससे ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स बने, इस तरीके से एक गोला था, गोला एकदम से बूम करके फूटा और आपकी धरती बन गई। एक गोला था बूम करके फूटा, और जैसे ही वो टुकड़ों में टूटा, एक गोला जैसे टुकड़ों में टूटा तो आपका क्या हो गया, छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनको बोल दिया कि ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारा प्लैनेट है, तो इस तरीके से उन्होंने बोला आपकी धरती बन गई। अच्छा ठीक है, इन्होंने बोला जैसे वो गोला आपका एकदम से टुकड़ों में टूटा था ना, गैसेस भी रिलीज हुई थी। हमने बोला कौन सी गैसेस रिलीज हुई थी, क्योंकि हमने इनसे पूछा कि अब धरती तो बन गई लेकिन हम सांस भी तो ले रहे हैं, तो कोई गैसेस भी तो आई होंगी। उन्होंने बोला हाँ आई थी, हाइड्रोजन आई थी और हीलियम आई थी। उन्होंने बोला अच्छा, हमने कहा कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो तो यूनिवर्स में तैर रही है, धरती पे कैसे दिख रही है हमें। उन्होंने बोला पागलो, तुमने ग्रेविटेशन का लो नहीं पढ़ा, कोई भी अगर चीज ऊपर है तो वो नीचे आएगी। उन्होंने बोला अरे वाह, तो इन्होंने बोला जो ये हवा में तैर रही थी आपकी हाइड्रोजन हीलियम, ये ग्रेविटेशनल कंडेंसेशन हुआ, और ग्रेविटेशनल कंडेंसेशन की वजह से ये हाइड्रोजन हीलियम कंडेंस होके नीचे बैठ गई धरती पे आपकी। आप खेल खत्म, बता दी इन्होंने धरती कैसे आई। मैंने कहा बहुत सही इंसान है यार, धरती कैसे आई वो बता दिया, गैसेस कैसे आई वो बता दिया। अब आपको कितना पता चला, धरती आ गई है और धरती पे कुछ कुछ गैसेस भी हैं। ठीक है, तो आगे मेरे से ये मत पूछेगा कि मैम ये गैसेस कैसे आए, क्योंकि मैम को भी नहीं पता, जैसा मैम ने पढ़ा है वैसे मैं बता रही हूँ। अब मेरे को नहीं पता कि वो गैसेस कैसे आई होंगी पहले, है ना। केवल आपको जब भी बुक खोलोगे तो आपको नाम दिखेंगे कि मिथेन थी, ये थी, ये थी, ये थी। आज तक किसी को नहीं पता कि चीजें हुई कैसे है ये सब, ठीक है, किसी को भी नहीं पता कि हुई कैसे है ये, कैसे ब्रह्मांड था, कैसे आपकी धरती बनी, कैसे आप लोग कैसे आए। लेकिन फिर भी जैसा आपकी साइंस कहती है, हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से आपकी धरती आई। आई होप समझ आ गया कि आपकी धरती आ चुकी है, धरती पे गैसेस भी आ चुकी हैं। अब चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये बम, ये गोला था यहाँ पर, ये गोला फूटा एकदम से, ये गोला था आपका एकदम से बूम करके फूटा, और इधर से क्या हो गया, ये गैलेक्सी, ये पृथ्वी बनी, और पृथ्वी पे फिर ये देखो ये मोनिका और ये निधि ये सब यहाँ डोल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो चीजें थी, जो भी चीजें हुई, ये 20 बिलियन ईयर अगो हुई थी, और धीरे 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 टाइम बीता, और 14 बिलियन ईयर बाद क्या हो गया, 14 बिलियन ईयर अगो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल गई। अभी इन्होंने बोला, हमने पूछा कि चलो धरती आ गई, धरती पे लाइफ कैसे आई होगी। उन्होंने बोला धरती पे जो लाइफ है ना वो अभी नहीं आई, वो 4.5 बिलियन ईयर अगो, 4.5 बिलियन ईयर अगो आई। मतलब आपको ये बता दिया धरती आई है 20 बिलियन ईयर अगो, आपकी धरती है, धरती 20 बिलियन ईयर अगो आई।
इस धरती पे आप लोग मछली, चूहे, कुत्ता, बिल्ली, अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग स्पीसीज है, ये कब आए? हमने पूछा पहली जिंदगी कब आई, पहली लाइफ कब आई धरती पे? धरती ये इस तरीके से बैठी हुई है, इस धरती पे पहली जिंदगी कब आई? तो उन्होंने बोला 4.5 बिलियन ईयर अगो पहली लाइफ आई थी, पहली यूनिसेल्यूलर लाइफ आई थी। हमने कहा अच्छा ठीक है, वो कैसे आई थी? अब फिर कैसे आई थी इसके ऊपर पूरी कहानी। कहानी कैसी है देखिए, आपके पास में क्या है? आपके पास में धरती है, ठीक है, धरती पे गैसेस भी है, इतना पता आपको। अब इनका कहना क्या है कि कैसे चीजें हुई हैं, पहले मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। पता चल गया धरती आ चुकी है आपकी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। अब बात करते हैं जिंदगी कैसे आई पहले। पहले तो ये बात कर लेते हैं पानी कैसे आया, क्योंकि बोलते हैं ना जल ही जीवन है, यानी जल से ही जिंदगी आई है आपकी। और ये कहावत आज भी सही है कि जल ही जीवन है, यानी कि जल से ही क्या आई है, जल से ही आपकी पहली लाइफ आई है, पहला कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका जल में आया है। ये तो आपकी साइंस बता रही है, तो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जल में आया है। लेकिन आज भी आप देखिए, बिफोर डिलीवरिंग अ बेबी, जब बच्चा आने से पहले जब वो धरती पे आता है, तो पहले एमनियोटिक फ्लूड जो है वो रिलीज होता है। एमनियोटिक फ्लूड यानी जल, तो जल पहले आएगा, तो यानी जल से ही क्या होती है, जल ही जीवन है। तो वो कहावत कहीं ना कहीं सही है। वैसे इवोल्यूशन में भी जो पहली लाइफ है वो आपकी वॉटर में आएगी। अब ये वॉटर कैसे आया होगा, कैसे आपके समुद्र बने होंगे, कैसे आपके महासागर बने होंगे, कैसे आपके सागर बने होंगे, तो सागर, महासागर, ओशन, सी कैसे बने वो देखते हैं अब हम लोग। कैसे आपके लाइफ आई होगी, आपकी लाइफ कैसे आई, तो बहुत सारे लोगों ने आके बताया कि ऐसे लाइफ आई होगी, ऐसे लाइफ आई होगी, ऐसे लाइफ आई होगी, तो सबकी कहानियां देखेंगे। बट पहले देखते हैं कि पानी कैसे आया आपका, कैसे आपके समुद्र वगैरह बने। देखिए सूर्य, अब बिग बैंग थ्योरी ने आपको बता दिया कि बम का गोला था, एकदम से टूटा टुकड़ों में, और आपकी धरती भी बन गई, प्लैनेट भी बन गए, सौरमंडल भी बन गए, सब कुछ। यानी बिग बैंग थ्योरी ने आपको एक खिलौना, एक झुंझुना पकड़ा दिया कि धरती बन चुकी है, धरती बन चुकी है, गैसेस भी आ चुकी हैं, और आपके पास में प्लैनेट भी आ चुके हैं। क्योंकि वो जो टुकड़े टूटे थे उनमें से कोई आपकी धरती थी, कोई आपके प्लैनेट थे, यानी आपका सूर्य भी आ चुका, आपका चंद्रमा भी आ चुका, आपका शनि भी आ चुका, सब आ चुके हैं। तो यानी कि आपका सूर्य तो आ चुका है, ये मैं बना लेती हूँ सन, ठीक है। ये इधर जो भी चीजें चलेंगी ना इधर वाले एरिया में, ये अर्थ है, ठीक है, मैं बना नहीं रही हूँ, लेकिन ये आपके अर्थ है। अर्थ पे क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। कहा नहीं जाता है कि हमारी जो धरती है वो आग का गोला थी पहले। क्या थी? आग का गोला। आग का गोला क्यों कहा जाता है कि आग का गोला थी पहले? एक तो सूर्य की किरणें पड़ रही है, ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ रही है, इतना हाई टेम्परेचर, ओजोन लेयर भी प्रेजेंट नहीं थी पहले, तो सूर्य की किरणें पड़ रही है, यूवी लाइट भी सीधा धरती पे पड़ रही है, फिर वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा था, पहले वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे, ये आपकी ज्वालामुखी फट रहे हैं। बस समझना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ड्राइंग पे मत जाइएगा। ये ज्वालामुखी फट रहे हैं, जब आपका ज्वालामुखी फटा, वोल्केनिक इरप्शन जिसको बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन, जब आपकी ज्वालामुखी फटे, तो ज्वालामुखी के फटने से बहुत सारी गैसेस रिलीज हुई। ज्वालामुखी फटा, गैसेस रिलीज हुई। कौन कौन सी गैसेस रिलीज हुई?
मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। ये चार चीजें रिलीज। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहले जो आपकी अर्थ थी, जो एटमोस्फेयर था, वो रिड्यूस्ड था या नहीं था। तो आपकी ऑक्सीजन इस टाइम देखो कहीं दिख रही है आपको ऑक्सीजन? मैंने बोला वाटर वेपर, वेपर समझ रहे हो, पानी नहीं था, वेपर थे, ड्रॉपलेट थे वाटर के, इस तरीके से ड्रॉपलेट्स थे। कोहरा से समझ सकते हो आप, जैसे कि जब कोहरा पड़ता है तो आपके जैसे शीशे पे, कार का शीशा हो, बस का शीशा हो, तो उस पे वाटर ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट्स बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पे वाटर वेपर थे, वेपर फॉर्म में था वाटर, ठीक है। इस तरीके से आपके वाटर वेपर थे, ठीक। आप सपोज कीजिए इस चीज को, ये था मीथेन था, CH4 दैट इज योर मीथेन, NH3 दैट इज अमोनिया, एंड H2 दैट इज योर हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन एब्सेंट था। क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा, जो आपकी प्रिमिटिव अर्थ थी, तो आपका गोला थी, यानी टेम्परेचर बहुत हाई था, मतलब इतनी गर्मी थी, इतना हैवी टेम्परेचर था, टेम्परेचर बहुत हाई था। क्यों? सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, कोई ओजोन लेयर नहीं है धरती पे, सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो यानी टेम्परेचर बहुत हाई था, ऑक्सीजन एब्सेंट थी, ऑक्सीजन एब्सेंट एब्सेंट थी, एटमोसफेयर रिड्यूस्ड था क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, एटमोसफेयर रिड्यूस था, और क्या चल रहा था, वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, ये सारी चीजें थी पहले। जो अभी मैंने आपको दिखाया, सनलाइट आ रही है, ऑक्सीजन नहीं है, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, चार चीजें थी। तो ऑक्सीजन एब्सेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूस्ड एटमोसफेयर है और वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ, आपका क्या हो रहा था, ये आपका जो सूर्य से आपकी सीधी यूवी लाइट आ रही थी, यूवी लाइट सीधी आ रही है, जिसकी वजह से जो आपका वाटर वेपर था वो, उसका क्या हो जा रहा था, जो आपका आपके पास में जो वाटर वेपर था तो फिर क्या हुआ, यहां पर जो आपका वाटर वेपर था तो H2O ही, तो ये क्या हुआ, यूवी लाइट आई, यूवी लाइट आपकी सीधे आ रही है, तो यूवी लाइट की वजह से क्या हुआ, ब्रेक हुआ ये किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन तो आपका बहुत लाइट वेट होता है, खिसक लेगा यहां से, बहुत लाइट वेट है, उड़ जाएगा, खिसक गया, ठीक है, बहुत लाइट वेटेड होता है, खिसक गया है, तो यहां से बचा आपका ऑक्सीजन। जो आपका ऑक्सीजन है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन आपका ये करामात करेगा, आप क्या करेगा, अब आपके हवा में आपके मीथेन भी तैर रही है, अमोनिया भी तैर रहा है, इसके अलावा वाटर वेपर भी सब कुछ है। अब ये क्या करता है, अब ऑक्सीजन जैसे वाटर वेपर जो है आपके, जैसे ये वाटर वेपर तैर रहे हैं H2O फॉर्म में, यूवी लाइट आई, H2 अलग, ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन को इधर मिल जाती है मीथेन, अब वो बोलती है सहेली तू कहाँ जा रही है, अब वो उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। अब जो आपके मीथेन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और आपका क्या बन जाएगा, CO2, इसका कार्बन, इसका ऑक्सीजन, CO2, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ऑक्सीजन ने अमोनिया के साथ रिएक्ट करके और भी बहुत सारी गैसेस बना ली, साथ के साथ में अब बहुत सारा ऐसा हो रहा होगा, H2O ब्रेक हो रहा होगा, अब H2O जो ब्रेक हो रहा है तो ऑक्सीजन बन रही है ना, H2O जब आपका ब्रेक हो रहा है, ये जो आपका H2O है, जब वाटर वेपर है, जब इस पे आपका यूवी लाइट आ रहा होगा, तो H2 अलग हो जा रहा है, ऑक्सीजन अलग, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहे होंगे, H2 अलग, ऑक्सीजन अलग, बहुत सारे टूट रहे होंगे, H2O, यूवी, H2 अलग, वाटर अलग, कितना सारे इस तरीके से आपके गैसेस बन रहे हैं।
तो ये ऑक्सीजन बन गई। ये जब ऑक्सीजन इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगी तो O2 जब फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगी तो क्या बनेगा, O3, दैट इज योर ओजोन लेयर। क्या बन जाएगी, ओजोन लेयर बन जाएगी। अब क्या हो गया, अब आपकी धरती पे बन गई एक कवरिंग, ओजोन लेयर। अब धरती बोलती है अब जाके मुझे शांति मिली है, यूवी लाइट नहीं पड़ रही है, ओजोन लेयर बन चुकी है। अब आपकी धरती बोलती है कि अब मैं अपना काम करूंगी, ये जो इतना तमाशा फैल रहा है, इतना हाई टेम्परेचर है, पहले तो मैं इसको ठंडा करती हूँ। तो अब आपकी धरती पे क्या होता है, ओजोन लेयर बन चुकी है आपकी। तो अब क्या होता है, अब इन्वायरमेंट कोल्ड टेम्परेचर, कूल डाउन किया जाता है, टेम्परेचर को लो किया जाएगा। टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, टेम्परेचर को अब लो किया जाएगा। वाटर वेपर आपका क्या हो जाता है, जैसे आपका टेम्परेचर लो होता है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है। वाटर वेपर क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस फॉर्म में होगी। कंडेंस फॉर्म में आने के बाद में फिर यहाँ पर रेनफॉल होगा, ठीक है, बारिश होगी। अब ये धरती पे ये सारी चीजें चल रही है, ओजोन लेयर बन चुकी है, ओजोन लेयर बन चुकी है, तो आपकी क्या नहीं आ रही, यूवी लाइट सीधे नहीं आ रही, यूवी लाइट नहीं आ रही, तो सूर्य से किरणें जो है डायरेक्ट नहीं आ रही धरती पे। अब धरती पे धीरे 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 टेम्परेचर, धरती को थोड़ा सा सुकून मिला कि शुक्र है अब ओजोन लेयर नहीं आ रही सीधे, वोल्केनिक इरप्शन जितना होने पे हो चुके। अब धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही है, कूल डाउन हो रहा है, जो आपका वाटर वेपर कंडेंस, जो आपका वाटर वेपर इधर उधर डोल रहा था, अब वो कंडेंस हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर आपकी होती है बारिश। और जब आपकी बारिश होती है, और बारिश ये बहुत हजारों सालों बारिश चलती है, धरती पे वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से जो गड्ढे बन चुके थे, गड्ढे बन चुके थे, अब बहुत साल तक बारिश चलती है, ये बारिश आपकी बहुत सालों तक चलेगी और ये गड्ढे भर जाते हैं, और इन्हीं गड्ढों को आप बोलते हो सागर महासागर। अब इस तरीके से आपके सागर और महासागर बने, और इन्हीं सागर और महासागर में आपकी पहली जिंदगी आई थी। क्लियर है, तो आई होप समझ आ गया। ये आप लोग के लिए यहाँ नोट्स डाल दिए हैं मैंने। ये जो आपकी सी और ओशन बने, थोड़ा सा गर्म तो थोड़ा सा हल्का गर्म तो रहा होगा पानी तब भी, तो उसको बोलते हैं हम लोग सूप। सूप क्या होता है, आपका पानी होता है हल्का गर्म होता है, तो इनको बोलते हैं हम लोग प्रीबायोटिक सूप या होट डाइल्यूट सूप। अब धरती आ गई, धरती पे पानी आ गया, ठीक है। अब हमने बोला कि जिंदगी कैसे आई, हमें ये तो बता दो कि धरती आ गई है, पानी आ गया है, सनलाइट आ गई है, यूनिवर्स बन चुका है। एक पहला कीटाणु भी कैसे आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कैसे आ गया धरती पे, यूनिसेल्युलर भी कैसे आया, हमें ये बताओ कोई। फिर एक आए इंसान जिसका नाम था स्वार्ज, कई जगह सुटरेज लिखा हुआ है लेकिन कई जगह स्वार्ज, तो स्वार्ज ही याद रखेगा, SAURZ। पहले कौन आए, नाम ध्यान रखिएगा, स्वार्ज। इन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म, दैट इज योर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ योर स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन का मतलब क्या है, कि आपके भगवान जी ने आके धरती बना दी। भगवान जी ऐसे बैठे हुए थे, एकदम से उनने आंख खोली, ने बोला कि क्या चल रहा, पानी है, धरती है, क्या चल रहा है, जिंदगी इधर दिख ही नहीं रही है। भगवान जी ने शुरू किया, ठीक है, जो भी आपके जिस भी गॉड को आप मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, तो भगवान ने क्या किया, गॉड ने अपनी शक्ति निकाली और क्या हुआ, धरती बन, उस पे ऑर्गेनिज्म आ गए, ठीक है, निधि आ गई, ठीक है, निधि की बहनें आ गई, ठीक है, इसके अलावा मोनिका आ गई, मैं आ गई, सब लोग आ गए, भगवान ने ऐसा जादू किया, ठीक है। ये क्या, ये बताया स्वार्थ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बोला कौन इतना दिमाग लगाएगा, लोग तो कोई थ्योरी भी नहीं दे रहे, मैं ऐसी ही थ्योरी दे देता हूँ, है ना, तो नहीं थ्योरी देती, थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म। इन्होंने कहा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, की किसी दिव्य शक्ति ने, स्पेशल किसी दिव्य शक्ति ने इस धरती पे जीव को क्रिएट किया है,
इसलिए इसका नाम पड़ा है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इन्होंने कोई इवोल्यूशन का नाम नहीं दिया। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशनिज्म क्या है। इट डज नॉट टेल अबाउट एनी इवोल्यूशन। ये कभी नहीं बोलती कि इवोल्यूशन हुआ है, कभी नहीं बताई गई अडेप्टिव रेडिएशन हुआ है। बस इन्होंने सीधा कह दिया भगवान जी ने शक्ति दी और शक्ति मारते ही जितने धरती के प्राणी हैं, जितने कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, बंदर है, शेर है, ह्यूमन है, सबके सब बन गए। तो नो इवोल्यूशन, नो अडेप्टिव रेडिएशन, किसी चीज के बारे में उन्होंने नहीं बताया। और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म, जो कि क्यूवियर ने दी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्यूवियर ने क्या दी थी? क्यूवियर ने दी थी थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब होता है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, ये बोलते हैं ना कि धरती पे पाप बढ़ गया, फिर कोई एक दिव्य शक्ति आती है और वो क्या करती है, वो विनाश कर देती है। तो कैटास्ट्रोफिज्म आप समझ सकते हो प्रलय, प्रलय समझ सकते हो, ठीक है, विनाश। तो कैटास्ट्रोफिज्म क्या कहता है? कैटास्ट्रोफिज्म ये कहेगा कि क्या हुआ, मान लो कि कुछ भी ऐसे भगवान को लगा कि मान लो ऐसा हुआ कि उन्होंने इंसान तो बना दिए, अब उन्हें इतने हैवी हैवी मोटे मोटे इंसान बना दिए कि धरती उनका भार नहीं झेल रही। ये मैं एनोलॉजी समझा रही हूँ, इसको सीरियस मत लेना। मान लो इन्होंने, भगवान ने ऐसे ऑर्गेनिज्म बना दिए कि धरती उनको झेल ही नहीं पा रही है। भगवान ने सोचा ये क्या कर दिया मैंने, अब मेरी तो धरती ऐसे ही टूट जानी है। भगवान ने क्या किया, विनाश किया सबका, डिस्ट्रॉय। कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, काइंड ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, प्रलय करना। और उसके बाद में न्यू को क्रिएट किया, न्यू क्रिएशन, न्यू को क्रिएट किया, पतले पतले लोग को फिर धरती पे उतार, पतले पतले, चार पांच पांच छह छह सात सात फुट या इंसान को उतारा। पहले मान लो उतार दिया 150-150 फुट के इंसान बना दिए, तो उनको लगा ये क्या हो रहा है। तो फिर भगवान ने क्या किया, सारी चीजों को विनाश किया, हटाया सब चीजों को जो पहले बनाई थी, इरेज किया कि नहीं ये नहीं चाहिए। उसी को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिज्म, विनाश करना, प्रलय होना और उसके बाद फिर नया क्रिएट करना। ये आपका कैटास्ट्रोफिज्म है जो कि क्यूवियर ने दिया था। ये भी यही बताता है कि भगवान ने ही बनाई है धरती, लेकिन पहले प्रलय किया और फिर नई धरती बनाई, ये आपका कैटास्ट्रोफिज्म। इसके बाद में एक थ्योरी आती है आपकी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जो कि आपकी दी थी अरिस्टोटल। टोटल अरस्तु जिसको बोलते हो, मनोवैज्ञानिक थे वैसे, मनोवैज्ञानिक जब साइकोलॉजिस्ट पढ़ते तो उसमें भी अरस्तु का नाम आता है। तो ये थ्योरी दी थी आपकी किसने, ये थ्योरी दी थी आपकी एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, ए बायोजेनेसिस, ए बायो नाम से समझ में आ रहा है, ए बायो यानी नॉन लिविंग। उन्होंने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो सांस ले रहे हैं जो लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्हें का पता कहाँ से आए? हमने बोला कहाँ से आए, इन्हें बोला नॉन लिविंग से। किससे आए हैं? नॉन लिविंग से। हमने कहा ऐसे कैसे आए नॉन लिविंग से, तो इन्होंने जादू करके दिखाया। अब तो आप हंसोगे कि क्या जादू किया था इन्होंने। देखो क्या किया था इन्होंने, एक पेंसपर्मिया थ्योरी रह गई, अभी बता दू पेंसपर्मिया थ्योरी क्या बोलते हैं। पहले पेंसपर्मिया बता देते, फिर कॉन्टिन्यूशन में चलेंगे। पेंसपर्मिया थ्योरी क्या है? पेंसपर्मिया, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी बोलते हो या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलते हो, ये आपकी जो है, ये प्रपोज की थी किसने, रिचर ने दी थी आपकी, वैसे अरेनियस ने, जो आप अरेनियस इक्वेशन पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, उन्होंने दी थी आइडिया, लेकिन ये प्रपोज की थी कि उन्होंने रिचर में, ठीक है। तो इनका क्या मानना था, इनका मानना था दूसरे ग्रह से, दूसरे प्लेनेट से, जैसे ये आपकी धरती है, ये आपकी धरती है इधर, ठीक है, ये आपकी धरती है, दूसरे प्लेनेट से उड़ उड़ के स्पोर सीड जो है, स्पर्म वगैरह, दूसरे स्पोर्स वगैरह, सीड्स वगैरह, दूसरे प्लेनेट से उड़ उड़ के आपकी धरती पे गए, शुरू करके, और धरती पे वो सीड जो है प्लांट बन गए,
इनका मानना था कि जो लाइफ है वो सीड से आई है, सीड और स्पोर से, और वो सीड और स्पोर भी अपने नहीं है, किसी दूसरे ग्रह से उड़ के अपने ग्रह पे आ। हमने कहा बक ऐसा भी कैसे हो सकता है, तो इनकी थ्योरी को भी डिस्प्रूव किया। फिर आए अरिस्टोटल, अरस्तु, इन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इन्होंने क्या कहा कि मैं बताता हूं कि जिंदगी आई कैसे है, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया कैसे होगा। हमने कहा बताइए जरा कहां से आया है। इन्होंने कहा कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपका नॉन लिविंग से आया। किससे आया है? नॉन लिविंग से। यानी जो, अब मैं कह दूं कि पहले, मैं मान लो एग्जाम्पल से, मैं रूम में चेयर रख गई, खाली थी चेयर जब मैं रख के गई, जब मैं वापस आई तो उस पे अलका बैठी हुई थी, और मैंने कहा अरे वाह, चेयर से अलका पैदा हो गई। ये कहना था आपका एरिस्टोटल का कि किसी नॉन लिविंग चीज से लिविंग चीज आ गई। कैसे कहा उन्होंने? होता क्या था ना, जैसे पहले के टाइम पे या आज के टाइम पर भी आप देखो, अभी तो चलो आप लोग समझदार हो, क्या हुआ कि जैसे आप वेस्ट खाना, जो भी होता है खाना वगैरह, जो भी वेस्ट वगैरह होता है, उसको घर के बाहर फेंक देते थे लोग, और वहां पर क्या होता था, चूहे वगैरह इकट्ठा हो जाते खाने के लिए। और ये देख लिया अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने सबको बता दिया कि देखो तुम यहाँ पर खाना डालो, गेहूं वगैरह डालो तुम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर जिंदा इंसान ना आ जाए मेरा नाम बदल देना। उन्होंने बोला चल ठीक है, गेहूं डाल दिया उन्होंने, और वहां पर चूहे आ गए, तो बोला देखा ये जो चूहे आए हैं ना, ये चूहे इस गेहूं में से निकल के आए, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था अरिस्टोटल ने, और सब लोग 2000 साल तक चली ये थ्योरी, 2000 साल तक माना गया इस चीज को, 2000 साल तक कि ऐसा ही हुआ होगा। जो आपके बहुत एंसिस्टर 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 रहे हैं, तो माना गया है ये चीज कि हाँ नॉन लिविंग से ही लिविंग आए। कैसे? अब उन्होंने बोला आप ऐसा करो, मांस को टांग दो आप खुले में, वहां पर ऑर्गेनिज्म अपने आप आके खाने लग जाएंगे, उसको चिपक जाएंगे, छोटे 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 मैगोट्स वगैरह जो भी हैं आके खाने लग जाएंगे। और ऐसा ट्राई भी किया, आ गए। तो उन्होंने बोला देखा इधर से आए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब लोग ने बोला वाह तू कितना इंटेलिजेंट है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो गेहूं है, गेहूं में से आपके चूहे आ रहे हैं, जो आप बाहर खाना फेंक रहे हो ना, जैसे ही वो खाना बाहर फेंक देते हो उस खाने में से चूहे आ जाते हैं। यानी कि नॉन लिविंग चीज में से, गेहूं में से नॉन लिविंग चीज में से लिविंग चीज यानी चूहे आए। ये इन्होंने कहानी बताई कि हम लोग है ना नॉन लिविंग से आए हैं, लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, और 2000 साल तक लोगों ने माना भी है इस थ्योरी को। इसके बाद फिर आए एक और जिनका नाम था, तीन आए बल्कि, एक थे स्पेलेंजनी, वेट फॉर अ सेकेंड, रेड्डी थे, स्पेलेंजनी थे, लूस पाश्चर थे, आई थिंक ये तीन ही थे, वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी कंफर्म द नेम। फ्रांसिको रेड्डी, स्पेलेंजनी और लूस पाश्चर। इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने कहा लोगों को तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। जो अरिस्टोटल थे, इन्होंने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस दी थी कि नो लिविंग से लिविंग आए, इन्होंने कहा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग से ही आए हैं। अब आप एक चीज देख रहे हो, कोई ये नहीं बता पा रहा पहला इंसान कैसे आया। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था स्टार्टिंग में कि चलो धरती आ गई है, धरती प्लैनेट्स आ गए हैं, पानी आ गया, पहला ऑर्गेनिज्म कैसे आया, कोई नहीं बता रहा, फालतू की बातें किए जा रहे हैं। अभी आएंगे वो ओपी इंसान आएंगे जिन्होंने बताया था ये, लेकिन अभी ये तीन लोग आए, ये तीनों थे दोस्त, ठीक है, और अरिस्टोटल था इनका दुश्मन। अरिस्टोटल ने कहा कि नॉन लिविंग से लिविंग आए हैं, इन तीनों ने कहा कि नहीं लिविंग से ही लिविंग आए हैं। तीनों दोस्त थे, तीनों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया, रेड्डी ने भी, स्पेलेंजनी ने भी, लुईस पाश्चर ने भी, और कमाल तो देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया इस चीज को लेके, लेकिन बताया किसी ने नहीं कि पहला ऑर्गेनिज्म, पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म धरती पे कैसे आया।
केवल लड़ाई इतनी हो रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से आया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग से आया। हमने बोला भाई ये तो हमें पता है कि लिविंग लिविंग से आया है, लेकिन जो पहला प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने क्या कहा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया है। मोनिका ने बोला कहानी तो वही है, हम तो वही पूछ रहे हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कैसे आया। इसने कहा वो मुझे नहीं पता, बस मैं बता देता हूँ कि लिविंग से लिविंग आया है। कैसे आया मैं तुम्हें 2 दिन एक्सपेरिमेंट दे जाता हूँ पढ़ने के लिए। रेड्डी ने क्या किया, रेड्डी ने एक मांस का टुकड़ा लिया, जार के अंदर उसको रख दिया ढक के, ये जार है जैसे, उल्टा ऐसे रख दिया मांस के टुकड़े के ऊपर। तो क्या हुआ वहां पर, जैसे कोई भी उसके ऊपर कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म या मैगोट्स वगैरह के इकट्ठा नहीं हुए, ठीक है, मक्खियां, जैसे आपने उस जार को हटा दिया मक्खियां वहां इकट्ठा हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो पहले में क्या किया, मक्खियां इधर इकट्ठा होगी पहले वाले में, दूसरे वाले में मक्खियां नहीं है क्योंकि जार को ढक दिया था, पहले वाले में ओपन था, ठीक। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में यहाँ पर नहीं है। अभी इन्होंने 2 3 एक्सपेरिमेंट ऐसे किए, पहले वाले जार में क्या किया, पहले वाले जार में इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इधर मांस का टुकड़ा लिया ढक दिया इसको साइड कर दिया, दूसरा मांस का टुकड़ा लेके जार को ढका ऊपर से खुला छोड़ दिया, ये आपका इस तरीके से जार है, इसमें मांस का टुकड़ा रखा खुला छोड़ दिया, दूसरे वाले को ढक दिया, जो ढका था उसमें कोई मक्खियां वगैरह नहीं दिखी उसको। तो उसने कहा देखा नॉन लिविंग मांस है, उसमें कोई मक्खियां नहीं आई, कोई लिविंग नहीं आया, रिजेक्ट अरिस्टोटल की थ्योरी। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, देखो यहाँ पर मैंने मांस का टुकड़ा रख दिया, जार खुला छोड़ दिया, अब क्या हुआ, अब एक मक्खी बाहर से आई, दूसरी मक्खी आई, मेल और फीमेल मक्खी आ गई हूँ, ढक दिया, फिर वहां पर और मक्खियां आई, तो कहा कि देखो लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है। उसके बाद में फिर एक और आए स्पेलेंजेनी, स्पेलेंजेनी ने क्या किया, स्पेलेंजेनी ने न्यूट्रिएंट मीडियम लिया और उसको क्या किया, बोई किया। उसके बाद में क्या किया, आपको पता है कि न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उगाया, जैसे पेट्री प्लेट में मान लो उगा लिया, इधर तो फ्लास्क में कर रहे हैं वो, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया लिया उन्होंने, खुला छोड़ दिया, फिर चेक किया लैब में, ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो किए, ठीक है। फिर ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक 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 बैक्टीरिया से दूसरा, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से आ रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा कि अरिस्टोटल तुझे मैं गलत प्रूफ करता हूँ, रुक। उन्होंने क्या किया, अगार मीडिया लिया ढक दिया, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आया। उन्होंने बोला कि तू तो बोल रहा है नॉन लिविंग से लिविंग आता है, अब नॉन लिविंग मैंने रख दिया अगार मीडिया, नहीं आ रहा ऑर्गेनिज्म, लेकिन जब मैं खुला छोड़ रहा हूँ तो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, यानी हवा में कोई लिविंग चीज है जिससे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, यानी प्री एग्जिस्टिंग कोई लाइफ है जिससे कि न्यू लाइफ आ रही है। स्वान ने फ्लास्क एक्सपेरिमेंट में भी सेम ऐसी ही चीज हुई थी कि एस शेप का इस तरीके से फ्लास्क है और इस तरीके से मुड़ा हुआ फ्लास्क था, जिसमें कोई और एयर टाइट कंटेनर था, कोई हवा अंदर नहीं जा पा रही थी, अगार मिल गया था, तो हवा भी अंदर नहीं जा रही तो ऑर्गेनिज्म कैसे अंदर जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म नहीं गया तो कुछ ग्रो नहीं हुआ। उन्होंने फिर क्या किया, वो जो एस शेप का फ्लास्क था उसको ऊपर से तोड़ दिया, ऊपर से हटा दिया, खाली हो गया फ्लास्क आपका, उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया। तो ये एक्सपेरिमेंट दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि अरिस्टोटल अरस्तु लिविंग से लिविंग आए हैं, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं आए। अब यहां पर आपके मोनिका को मच गई चिड़ कि ये कर क्या रहे हो सारे, कोई बता रहा है कि बाहर से स्पोर आए, दूसरे प्लेनेट से स्पोर आए, दूसरे प्लेनेट से आपके सीड आए धरती पे और नया ऑर्गेनिज्म आ गया, कोई ये बोल रहा है कि भगवान जी ने क्रिएट कर दिया, कोई ये बोल रहा है कि भगवान जी ने पहले ऑर्गेनिज्म बनाए थे गलत बना दिए उन्होंने फिर डिस्ट्रॉय किया फिर न्यू क्रिएट कर दिया, कैटेस्ट्रोफिज्म थ्योरी, कोई ये बोल रहा है कि नॉन लिविंग से लिविंग आए, कोई बोल रहा है लिविंग से लिविंग आए हैं। मोनिका ने कहा मुझे इतना पता चल गया बिग बैंग से कि धरती आ चुकी है, उसके बाद में धरती आपका गोला थी, पानी वगैरह किस तरीके से आपका, वाटर वेपर मिथेन वगैरह सब कुछ था, मिथेन था, वाटर था, इसके अलावा आपका अमोनिया था, वाटर वेपर था, ये सारी चीजें थी। बोले वहां तक मुझे पता चल गया है, मुझे ये बताओ कि वो एक ऑर्गेनिज्म कैसे आया। सब ये लड़ रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म आया है वो नॉन लिविंग से आया है, ये जो ऑर्गेनिज्म आया है ये किसी पहले किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया है। ये बोली मुझे तो ये चाहिए कि वो जो पहला ऑर्गेनिज्म है वो कैसे आया, मेरी कहानी वहीं से स्टार्ट करो। तो फिर आए ओपी, ओपी यानी ओपरन हाल्डन, और ओपी काम ही करके गए हैं ये, ठीक है।
ओपी काम ही करके गए हैं, यानी बहुत अच्छा ही बता के गए हैं, जिसको कि हम लोगों ने कहीं एक्सेप्ट किया है, ओपेरिन हार्डन थ्योरी, जिसको आप केमिकल इवोल्यूशन या कीमोसिंथेटिक थ्योरी भी कहते हो। इन्होंने क्या कहा कि लाइफ जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है। अब आपको पता है कि पहले जो है आपके गैसेस वगैरह प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये प्रेजेंट आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखिए इन्होंने क्या कहा, केमिकल इवोल्यूशन, कीमोसिंथेटिक थ्योरी, किसने दी थी? ओपेरिन एंड हार्डन ने। क्या कहा इन्होंने कि आपको बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद में किस तरीके से आपकी धरती पे पानी आया, इन सब से आप लोग को ये तो पता चल गया। मोनिका को बोला देखो बिग बैंग थ्योरी आपको ये तो बता कि धरती कैसे आई, उसके बाद में फिर ये भी पता चल गया धरती आपका गोला थी, पहले ऑक्सीजन वगैरह नहीं थी, मीथेन थी, अमोनिया था, वाटर वेपर थे, सारी चीजें थी। इसने बोला हाँ उतना मुझे पता है। तो उसने बोला ये इतना तो तुझे पता है ना कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, इतना तो समझ चुकी है। इसने बोला हाँ उतना मुझे पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, इतना मुझे अब तक बिग बैंग थ्योरी और पता चल चुका है कि किस तरीके से आपका पानी वगैरह आया, हमें पता चल चुका है। इसने बोला ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऐसे करके बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे। उसने बोला हाँ थे। फिर उन्होंने बोला कि क्या हुआ, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर ये क्या बन गए, लाइटनिंग हुई और ये बन गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। क्या बना आपका? मीथेन। हाँ इसने बोला कि हाँ इतना तो मुझे पता चल गया था कि मीथेन बन गया था। हमने बोला हाँ मीथेन बन गया। अब एक चीज सोचिए, सारी चीजें कहाँ चल रही है? पानी में चल रही है ना, पानी ही तो था आपका, धरती पे पहले पानी ही पानी था, पानी में सब चल रहा है, धरती पे पानी ही पानी था। फिर हमने बोला कि ओपेरिन हाल्डन ने बोला कि पानी पानी है, थोड़ा पानी को हटा देते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं क्या रिएक्शन चल रही है। तो पानी को हटाने के लिए उन्होंने HCN, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया। चलिए इसको मैं हटा ही देती हूँ इस नाम को भी, ताकि आप कंफ्यूजन में ना चले जाओ, अभी इतना ही समझते हैं। मीथेन आ गई, हमने बोला हाँ ठीक है मीथेन आ गई। उसके बाद हमने बोला कि अब देखो आपके पास में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हमने बोला हाँ है। बोला डीएनए में क्या होता है? डीएनए में तो शुगर होती है, शुगर यानी इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है आपका, कार्बन, OH, COH, CHOH। हमने बोला हाँ। बोला कि ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है CHO, ये सब तो तेरे पास में है ना? हमने बोला हाँ है। बोल रहे उसी से तो तुम्हारा डीएनए बनता है, इन सब से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये चार पांच चीजें ही चाहिए होती हैं। हमने बोला अरे वाह, तो इसने बोला कि न्यूक्लियोटाइड्स बन गए आपके। हमने बोला हाँ बन गए होंगे। बोला इसी से आपके अमीनो एसिड बन जाते हैं, कार्बन, और एक तरफ आपका अमोनिया NH3 लगता है, COOH लगता है, R लगता है, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सब कुछ है। तो बोला अमीनो एसिड भी ऐसे बने। हमने कहा अरे वाह अमीनो एसिड भी ऐसे बन गए। इन्हें बोला लिपिड भी ऐसे बन गए। हमने कहा अच्छा। इनने कहा कि फिर ये क्या हुई, न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बना दिए, न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके डीएनए वगैरह बना दिया, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बनाया। क्या बनाया? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल आपका डीएनए। पहले क्या बन गया था? पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, इनऑर्गेनिक यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मीथेन। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा, इसके बाद इन्होंने कहा कि अमीनो एसिड्स बने, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स बने, फैटी एसिड्स बने,
और इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स बने, ठीक है, इसके अलावा सिंपल शुगर बनी। हमने कहा अच्छा, बोले ये सब मोनोमर है, हमने कहा हाँ मोनोमर। बोले फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बाद में, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपका बना है और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स के बाद में आपका अमीनो एसिड से क्या बना होगा, प्रोटीन। बहुत सारे अमीनो एसिड ने मिलकर प्रोटीन बनाया होगा, लिपिड्स बने होंगे, बहुत सारे फैटी एसिड्स मिले, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बने, तो डीएनए आरएनए जो कि आपका सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है वो बना, जो कि आपका सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है वो बना। हमने कहा हाँ बना। हमने बोला फिर इसी से तो फिर आपका यूनिसेल्यूलर पहला ऑर्गेनिज्म आया है। हमने कहा ग्रेट, अरे वाह। तो इन्हें कहा इस तरीके से आपका कोई एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गया, एक सेल आ गई, उसके अंदर डीएनए आ गया, प्रोटीन आ गया, लिपिड आ गया और एक सेल आ गया, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया। फिर नेचर ने सिलेक्ट किया जिसको उसको सिलेक्ट करना था, नेचर सिलेक्ट करती चली गई और इस तरीके से आपके प्रोकैरियोट्स आए, फिर आपके यूकैरियोट्स आए। ये थ्योरी थी आपके ओपेरन और हार्डन। अब ये सारी जो चीजें चल रही थी ना, ये सब थ्योरेटिकल चल रही थी, सब जुबान से बता रहे थे, किसी ने कोई आपको लेबोरेटरी में इन केमिकल्स के साथ खेल के किसी ने आपको नहीं दिखाया। हमने बोला हम यकीन कैसे करें, ओपेरन हाल्डन ने बोला यकीन कैसे करो, मेरे स्टूडेंट है, मैं बोलता हूँ उनको, वो आपको बताएंगे। हमने कहा अच्छा कैसे। फिर आता आपका मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट, उनने बोला जो जो ओपेरन हाल्डन ने बताया है हम लैब में परफॉर्म करके रखते हैं, वो सारी चीजें जो जो इन्होंने बताया हम लैब में सारी चीजें करके देख लेते हैं। हमने कहा चलो ठीक है करके देख लो। तो अब आता आपका मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। ये देखिए पहले कौन कौन सी गैसेस थी, मिथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी, है ना। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम सारी गैसेस वही ले लेते हैं, तो इन्होंने ये गैसेस ली 1:2:1 के रेशियो में। वो इसके अलावा इन्होंने क्या लिया, वाटर वेपर फॉर्म में था ना, वेपर फॉर्म में, तो हमने वाटर लिया और वाटर को यहाँ पर क्या कर दिया, हीट दे दी, हीट देंगे भाप बनेगी, भाप बन के वाटर वेपर्स बनेंगे, तो वाटर वेपर भी मिल गए हमें। लैब में सारी कंडीशन बनाई जा रही है, तो लैब में वाटर वेपर कहाँ से लेके आओगे, वाटर लिया आपने, वाटर को क्या किया गर्म किया, गर्म करने से क्या हो गए, वाटर में से भाप निकलने लगे, वाटर वेपर्स बने, वो वाटर वेपर्स आपके बने, तो वाटर वेपर यहाँ से मूव करते 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 इधर पहुंच गए। यहाँ पर इसमें क्या ले रखा आपने, इसमें आपने जो जो गैसेस थी, मिथेन कहा था मैंने पहले थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी, वो सारी गैसेस थी। उस टाइम मैंने क्या कहा था, सनलाइट पड़ रही थी, सनलाइट है ना, तो लाइटनिंग के लिए इन्होंने क्या लगा दी, इलेक्ट्रोड लगा दी इस तरीके से, जो कि 70,000 वोल्ट के, मतलब बहुत हाई वोल्ट के इलेक्ट्रोड लगा दी कि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, तो स्पार्किंग दी यहाँ पर, ठीक है, गैसेज आपकी हैं ये, ठीक है। इसके अलावा वाटर से हमने वाटर को गर्म किया, तो वाटर वेपर, वेपर के फॉर्म में यहाँ पर आ गया, वाटर वेपर भी आ गया, ठीक है। फिर क्या कहा था, फिर हमने ये कहा था कि जो सारी गैसेस थी, फिर ओजोन लेयर बन गई थी, ओजोन लेयर बनने के बाद में फिर क्या किया था, टेम्परेचर ठंडा हुआ था, हमने फिर टेम्परेचर कोल्ड किया, टेम्परेचर को कोल्ड वाटर दिया हमने कि टेम्परेचर ठंडा हो जाए, कोल्ड वाटर दिया तो टेम्परेचर ठंडा हुआ, टेम्परेचर ठंडा होने के बाद में क्या हुआ होगा, वाटर वेपर कंडेंस हो गए होंगे। फिर जब ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से चल ही रहा है, ये आपका उन्होंने केवल आपका मिथेन डाल दिया है, अमोनिया डाल दिया, वाटर डाल दिया है और वाटर वेपर करने के लिए वाटर को गर्म करते जा रहे हैं वो, ताकि वेपर बनती जाए और गर्म गर्म उसको वो क्या कर रहे हैं, ऊपर से वो जो आपने पूरी कंडीशंस दी है उनको वो इलेक्ट्रोड्स दे रहे हैं ताकि गर्मी वैसे ही क्रिएट हो जाए, और जैसे गर्मी से थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, नीचे ही उन्होंने ये कंडेंस, ये यहाँ पर कोल्ड वाटर के लिए लगा दिया है, कि हमने क्या कहा था धीरे धीरे फिर क्या हो गया था, वाटर कूल डाउन हुआ था, टेम्परेचर ठंडा हुआ था, टेम्परेचर ठंडा करने के लिए उन्होंने कोल्ड वाटर भी दे दिया। जब इन्होंने 18 दिन बाद ये सैंपल कलेक्ट किया तो इनको क्या मिला, इनको मिला एलेनिन, एस्पार्टेट और ग्लाइसिन। याद कैसे रखोगे, आग किस ट्रिक से याद रख लीजिएगा, तो इनको ये अमीनो एसिड मिले, तो हमने मान लिया कि हाँ भाई अमीनो एसिड्स मिल गए हैं, तो प्रोटीन्स भी बने होंगे, ऐसे लिपिड्स वगैरह बने होंगे और इस तरीके से ऑर्गेनिज्म आया होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले कौन आया था, तो पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, उसके बाद में फिर आपके नेचुरल सिलेक्शन हुआ होगा, फिर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स इस तरीके से आए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में मिथेन दे दिया उन्होंने, उन्होंने अमोनिया दे दिया था, वाटर दे दिया था, ऑप्शन में पूछा था कि क्या मिस रह गया है, तो वाटर देना रह गया था, ठीक है। 4 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।